जब जब मैं जो कोट आती थी ना, मेरा हर भर कपड़ा उतरता था, जिद में अड़ गई, मैं अब कपड़ा पहनूंगी नहीं, मैं ऐसी कोट जाऊंगी। चिट्ठी की वजह से मेरा हालत उतना का, हालांकि चेकिंग सबकी होती थी, पर ऐसे चेकिंग नहीं होते जो मेरे साथ होता था। वो सिर्फ यह था कि लेटर कैसे बाहर जा रहा, बहुत गंदे तरीके। जब जब मैं जो कोट आती थी ना, मेरा हर भर कपड़ा उतरता था। फिर एक दिन ऐसी बड़ा सा वो था साल जैसा, वो साल वो निर्मला का दी थी वाला बड़ा, वो ना मैं ना सीधा ओढ़ ली, मतलब ले जो वैसे झोला में लेके आई। जब मेरे सारे कपड़े उतारे गए, कपड़ों को फेंक दी, मैं पूरे कपड़े फेंक दी और ऊपर से फिर बाद में ऐसे साल ओढ़ ली। तो मेरे को बोलने लगे, क्या कर रही है, कोट नहीं जाना है? मैं बोले जाऊंगी ना, मैं ऐसे जाएगी कोट, हाँ ऐसे ही जाऊंगी मैं कोट, अब मैं अब कपड़ा नहीं पहनूंगी। तो जब जब मैं कपड़ा पहनू, तब तब आप लोग मेरे कपड़े उतार के मेरे को कितना बार नंगाई करोगे मेरा, मैं थक गई हूँ अपनी नंगाई का, ये करते करते अपने शरीर से कपड़ा उतारते उतारते। तो इसलिए झंझट ही खत्म, अब कपड़ा ही नहीं पहनूंगी बोल के मैं जिद में अड़ गई, मैं अब कपड़ा पहनूंगी नहीं, मैं ऐसी कोट जाऊंगी, क्योंकि हजारों बार मेरे कपड़े उतारा जाता, मैं थक गई अपनी नंगाई होते होते। मैं बोलूँगी डर गए जेल वाले थोड़ा, बोले उसके बाद बोले आप दोबारा नहीं उतरे कपड़ा, नहीं आपको अभी नहीं उतारेंगे, नहीं ऐसे करेंगे। हाँ जो मिनिमम चेकिंग होता है ऐसा चेक करिए, या कोई आपका मशीन ले आइए, खड़ा करिए, मैं क्या ले जा रही हूँ, क्या नहीं ले जा रही हूँ, कैसा है पूरा, तो फिर ऐसा करिए। लेकिन मेरे को कपड़ा उतार, वो भी ऐसे बहुत गंदे ढंग से करते थे ना, पूरा मतलब बैठाते थे अंगों, बहुत बहुत इतना स्तन उसको भी एकदम से उठा लेना है और अंगों में बैठा लेना है, बैठा के ऐसा बैठो उस अंग को भी आप से ऐसा करो, बहुत गंदा करो, उतना झेलना पड़ता था। तो मैं थक गई थी, फिर बाद वो सिर्फ उसके लिए सजा था, मेरा सजा उसका इसलिए था मैं सर को चिट्ठी भेजती थी, चिट्ठी की वजह से मेरा हालत उतना का, हालांकि चेकिंग सबकी होती थी, पर ऐसे चेकिंग नहीं होते जो मेरे साथ होता था। वो सिर्फ यह था कि लेटर कैसे बाहर जा रहा, बहुत गंदे तरीके ना सर, कैसे भेजती थी वो तो मेरे दिमाग में रह गया, किताब में आएगा, किताब में आएगा। वो सीसी कैमरा, मेरे सीसी कैमरा में मेरे जो वो जो होता था ना क्रीम, वो सब सब चीज चेकिंग होता, और मैं जेल से ही निकालती थी लेट, बाहर से कौन ले जाए, वो तो मैं पुलिस के एनी टाइम कस्टडी में रहती थी, तो कहाँ से मैं लिख पाऊंगी, मैं जेल के अंदर से निकाला जाता। तो कई जब मीडिया भाई लोग ने पूछा भी मेरे को, बताओ मैडम कहाँ से ये लेटर आता था, वो तो इंडियन एक्सप्रेस में उसने छापा ना कि लेटर तो बाहर आ ही नहीं सकता, ये लेटर सोनी लिखती ही नहीं है, ये लेटर तो हिमांशु खुद लिखता है। फिर और उसकी रेटिंग भी मिला है, फिर मेरे बच्चों को जाके पूछे तुम्हारी माँ की रेटिंग है क्या, जो बच्चे जानते थे बोले हाँ हमारी माँ का है, ये माँ का ही रेटिंग की है, ये मेरी माँ का है सब। अब कलोरी की तो पूरी वाट लगने वाली थी, मैं सीधा बोल दी मैं आ रही हूँ कलोरी के, जहाँ जिस बंगले में रहे मैं वहीं आ रही, मीडिया को ही बता रहे, अब घर नहीं जाएंगे, नहीं मेरा परिवार को कैद करके कलोरी ने रखा है, तो मैं जा रही हूँ ना, उसको लड़ाई मेरे से है ना, तो मेरे से करे, परिवार से नहीं। वो बुजदिल लोग का काम है अपने परिवारों का डाल बनाते हैं, और वो क्यों मेरे परिवार का डाल बनाया, तो मैं आ रही हूँ उनके पास, और जो लड़ाई करनी है हमसे लड़ेंगे। अब कलोरी छोड़ दिया मेरे पहुँचते तक, फिर अजय फिर मेरे को बोला नहीं जाओगे ना दीदी, नहीं जाना दीदी। मेरे फादर को बोले कि पता है तेरे बेटी का, इतना गंदा ढंग से बोले कि 10-12 लोग मिल के ऐसे किए हैं, और तेरी बेटी यही धंधा करती है, तेरे बेटी का वो अंग भी सही नहीं है, पूरा फटा हुआ, इतना गंदा गंदा मेरे पिता को बोले, ऐसा ऐसा बोले। आज भी मेरे को जितने भी अमरीश मिश्रा खलूरी और अंकित गर्ग, अभी थोड़ा अपने रोजी रोटी जैसा जैसा दबंगगिरी कर रहे थे ना, उससे थोड़ा लोग करके है। अंकित गर्ग का तो NI में ऐसा सुनी थी, मतलब अभी दिल्ली में अभी IG बन गया, वो तो अभी पता चल रहा मुझे आज। अंकित गर्ग तो बहुत कुछ किया, मतलब मुझे जेल तक भेजने का ये सब चीज़ें, जो वो दंतेवाड़ा जिला में ही रहा है अंकित गर्ग, SP जो किया अंकित गर्ग ने ये सारा चीज़ें किया, जैसा मतलब मुझ पर केस फर्जी केस बनाने में SR का नोट कानून